महोबा जिले के ग्राम भगारी स्थित चोपरा सरकार मंदिर पर सर्व जातीय कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मौजूद लोग 11 जोड़ों के दाम्पत्य जीवन के शुरुआत के साक्षी बने। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। ये सम्मेलन ग्राम प्रधान सुभाष दीक्षित ने आयोजित कराया। कार्यक्रम में पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच द्वारचार और टीका की रस्में हुई। इसके बाद वरमाला का कार्यक्रम हुआ। इस शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान सुभाष दीक्षित ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी 11 जोड़ों के विवाह संपन्न कराने का लक्ष्य रखा गया था। सभी जोड़ों को उपहार में मोटरसाइकिल, सोफा, पलंग, अलमारी, बक्सा, प्रेस, कुकर, पंखा, 11 बर्तन, मंगलसूत्र, पायल, घड़ी जैसे उपहार देकर विधि विधान से विदा किया गया। ये चोपरा सरकार मंदिर ग्राम भगारी में आयोजित किया गया है। इसमें 11 कन्याओं के विवाह किए गए हैं और ये प्रथा इसलिए कि दहेज जो लोग मांगते हैं वो प्रथा खत्म हो, और हम लोगों ने इस सम्मेलन में दहेज के सामान कितने हैं, 36 दहेज के सामान दिए हैं, और आसपास के अपने महोबा जिले के सभी ग्रामों से आए हैं लोग, उनकी यहाँ शादियाँ की हैं, और आगे हम क्षेत्र के लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे ही दहेज की प्रथा को खत्म करके ये शादी संपन्न कराएं। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी, बीजेपी कुल पहाड़ मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, सुरेश यादव, धौरा प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी ने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। अस्तित्व न्यूज के लिए महोबा से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।